Hi everyone, so welcome back to Fly with Coding. Myself Rohit Bindal, and in this video we will talk about another problem from Strivers HD sheet, which is sort an array of zeros, ones and twos. So yeah, before moving to the problem, I would like to tell you about a competitive coding contest which is Code Rush X. So it is organized by Newton School, and also in this particular contest there are prizes up to 10 lakhs rupees, and top 2000 coders will be getting Amazon gift vouchers. And even if your rank is above 2000, then some random 1000 people who will be solving at least one problem will also be getting some Amazon gift vouchers. And also there are placement opportunities at top tech companies through this contest, and this contest will be happening on 28th January. So if you want to register for the contest, then the registration link is given in the description below. You can definitely check it out. So now let's move to the problem. So yaar pehle problem statement dekhte hain. So basically tumhe ek array diya hua hai. ओके इस एरे में कुछ नंबर्स होंगे, लेट्स से एन की वैल्यू 4 है, तो कुछ एन नंबर्स होंगे, तो लेट्स से 4 नंबर्स हैं। अब यार इस एरे में बोला गया है कि जो भी नंबर्स होंगे वो या तो 0 होंगे या 1 या 2, इन तीन के अलावा और भी कोई नंबर इस एरे में प्रेजेंट नहीं होगा। तो फॉर एग्जाम्पल एक एरे हो सकता है ऐसा कुछ, राइट, सिर्फ 0 1 या 2 होंगे, और तुम्हें क्या करना है, इस एरे को असेंडिंग ऑर्डर में सॉर्ट करना है। तो इसका आउटपुट आएगा 0 0 1 2, ये इसका आउटपुट होगा, राइट। तो यार प्रॉब्लम स्टेटमेंट बहुत सिंपल है, तो अब इसकी अप्रोचेस देखते हैं। तो सबसे पहले तो यार ये है कि मैं डायरेक्टली इसको सॉर्ट कर दूं, ठीक है, मैं मर्ज सॉर्ट लगा दूंगा, तो उसके बाद जो अरे आएगा वो ऑब्वियसली असेंडिंग ऑर्डर में सॉर्टेड आ जाएगा। तो उसकी टाइम कॉम्प्लेक्सिटी क्या होगी, ऑर्डर ऑफ एन लॉग एन, राइट। अब यार अगर तुम ये इंटरव्यूअर को बताओगे तो इंटरव्यूअर तुम्हें बोलेगा को ऑप्टिमाइज करो, एंड यू हैव टू डू इट इन लीनियर टाइम विच इज ऑर्डर ऑफ एन टाइम। अब देखते हैं इसको ऑर्डर ऑफ एन में कैसे करेंगे। तो लेट से तुम्हारे पास ये अरे है, राइट। अब यार इसमें देखो, पहली चीज़ तो मुझे ये पता है कि इसमें या तो 0 है या 1 है या 2 है, राइट। और दूसरी चीज़ मुझे ये पता है कि यार इसको जब मैं सॉर्ट करूँगा तो जितने भी इसमें जीरोस होंगे वो सबसे पहले आ जाएंगे, जितने भी 1 होंगे वो इसके बाद आ जाएंगे, और जितने भी 2s होंगे वो इसके बाद आ जाएंगे, ठीक है। तो यार मैं यही फंडा यूज़ करूँगा, मैं क्या करूँगा, एक पास करूँगा जिसमें मैं स्टार्टिंग से इसको पूरा आइट्रेट करूँगा एरे को, और मैं नंबर ऑफ़ जीरोस, नंबर ऑफ़ वंस एंड नंबर ऑफ़ टूज जो है इस एरे में काउंट करूँगा, राइट। तो मैं तीन वेरिएबल रख सकता हूँ, काउंट 0, काउंट 1 एंड काउंट 2। तो इस एरे के लिए अगर जब मैं एक पास कर लूँगा तो मेरे पास काउंट नंबर ऑफ जीरोस आ जाएंगे 2, राइट, नंबर ऑफ वंस आ जाएंगे 1 एंड नंबर ऑफ 2 आ जाएगा 1। फिर मैं क्या करूँगा, एक वापस पास करूँगा, वापस इस एरे को आइट्रेट करूँगा, और जितने जीरोस हैं, राइट, पहले उतने बार जीरो, मतलब उतनी फर्स्ट पोजिशन पर मैं जीरो रखूँगा। फॉर एग्जाम्पल यहाँ पे 2 है तो पहली 2 पोजिशन पर जीरो रखूँगा। अब ये खत्म हो गया तो मैं अब क्या करूँगा, आगे में एक मेरे पास 1 है तो इसको मैं 1 रख दूँगा, ये भी खत्म हो गया। अब मैं जो बचा हुआ है, बची हुई पोजीशन है, वहाँ पे मैं 2 रख दूंगा, तो यहाँ पे एक 2 रख सकता हूँ तो उसको 2 रख दूंगा, राइट। तो अब तुम देखो यार अरे सॉर्ट हो चुका है, राइट। तो यहाँ पे मैंने क्या किया, 0s 1s 2s काउंट किए, पहले 0s रख दिए, फिर 1s रख दिए, फिर 2s रख दिए। तो अब इसकी टाइम कॉम्प्लेक्सिटी क्या होगी, तो यहाँ पे यार टाइम कॉम्प्लेक्सिटी, पहले तुमने एक पास किया तो ऑफ एन लगा, फिर तुमने एक पास और किया सारे एलिमेंट्स को रिप्लेस करने के लिए तो वापस ऑफ एन लगा, तो यहाँ पे बेसिकली ऑफ 2 1 हो गया, ओके, विच इज़ ऑफ एन ओनली। पर यहाँ पे यार तुमने यूज़ किया 2 पासेस, तुमने 2 बार एरे को आइट्रेट किया, तो अब इंटरव्यू तुम्हें बोलेगा कि तुम्हें इसी प्रॉब्लम को एक बार आइट्रेट करना है, यानी एक ही पास में सॉर्ट करना है, राइट। तो अब कैसे करेंगे, तो यार अब इस पर्टिकुलर चीज़ के लिए अपन यूज करेंगे डच नेशनल फ्लैग एल्गोरिथम, राइट। तो यार नाम ये मुश्किल है, बाकी एल्गोरिथम बहुत ईजी है। तो इसमें मैं क्या करूँगा, इस पर्टिकुलर एल्गोरिथम में मैं क्या करूँगा, तीन पॉइंटर्स में यूज़ करूँगा, एक होगा लो पॉइंटर, एक होगा मिड पॉइंटर, एक होगा हाई पॉइंटर। अब यार ये लो पॉइंटर क्या सिग्निफाई करेगा, लेट से अगर मेरा ये एरे है, राइट, और लेट से मेरा लो पॉइंटर अगर यहाँ पे है, तो ये लो पॉइंटर ये मेक श्योर करेगा कि इससे पहले जो भी वैल्यूज़ है वो सारी वैल्यूज़ 0 होगी। ये कैसे मेक श्योर करेगा वो भी देखेंगे। तो ये बेसिकली मेक श्योर करेगा कि इससे पहले जितनी वैल्यूज़ है वो सारी 0 है। सिमिलरली जो हाई पॉइंटर है, लेट से अगर हाई जो है वो मेरा यहाँ पॉइंट कर रहा है, तो यार ये हाई पॉइंटर से मुझे ये पता चलेगा कि इसके बाद में जितनी भी वैल्यूज़ है वो सारी 2 होगी, राइट। इसके आगे जितनी भी वैल्यूज़ है वो सारी 2 होगी, राइट। और लो और हाई इन दोनों को लेके मैं मेक श्योर कैसे करूँगा कि लो से पहले सारे 0 है, हाई से सारे आगे 2s है, उसके लिए मैं यूज़ करूँगा मिड पॉइंटर। तो मिड पॉइंटर को मैं क्या करूँगा, स्टार्टिंग से चलाऊँगा और मैं एरे को आइट्रेट करता जाऊँगा। अब देखो, अब यार सबसे पहले बात आती है कि लो जो है इनिशियली कहाँ पर होगा। तो इनिशियली मैं क्या कर सकता हूँ, लो को रख सकता हूँ 0 पे, राइट। इनिशियली मैं लो को रख सकता हूँ 0 पे, क्यों,
क्योंकि मैं बोल रहा हूँ लो यार इस चीज़ को सिग्निफाई करता है, इस चीज़ को मेक श्योर करता है कि लो से पहले अगर कोई एलिमेंट्स हैं तो सारे जीरो होंगे, अगर कोई पहले एलिमेंट है ही नहीं तो अभी भी कंडीशन तो यार ट्रू ही है, राइट। तो लो को मैं रख सकता हूँ जीरो पे, सिमिलरली हाई को मैं रख सकता हूँ n-1 पे, क्योंकि इसके बाद कोई एलिमेंट्स अभी है ही नहीं, राइट। ये बस ये मेक श्योर करता है कि अगर एलिमेंट्स हैं तो टू होंगे और अगर नहीं है तो कोई दिक्कत ही नहीं है। और मिड जो होगा वो इनिशियली अपन स्टार्ट करेंगे जीरो से, तो मिड को मैं यहाँ रखूँगा। अब यार ये मिड जाएगा कहाँ तक, ठीक है ये देखते हैं, ये मिड जाएगा कहाँ तक। तो यार ये मिड लेट से अगर मेरा अगर यहाँ पे हाई है, राइट, तो मुझे पता है कि ये सारे टूज होंगे, ठीक है। तो यार मैं क्या कर सकता हूँ, मैं मिड को जो है हाई तक ले जा सकता हूँ, उसके आगे ले जाने की जरूरत ही नहीं है, क्योंकि यार उसके आगे ले जाके मैं क्या करूँगा, मुझे पता है उसके आगे सारे टूज है और मुझे एट द एंड ऑफ द अरेज सारे टूज ही चाहिए, राइट। तो मुझे इनके लिए कुछ नहीं करना, तो मैं मिड को जो है हाई तक ले जाऊँगा, राइट। तो मेरा लूप जो होगा वो होगा वाइल मिड लेस देन इक्वल टू हाई, इतना समझ में आ गया, ठीक है। अब यार जब मैं अपन इस मिड पॉइंट को ले जा रहे होंगे आगे, तो किसी भी एक पर्टिकुलर फॉर एग्जांपल लेट्स अगर मिड यहाँ पे है, तो ये जो वैल्यू है इस यहाँ इस पर्टिकुलर सेल की जो वैल्यू है वो मुझे पता है या तो जीरो होगी या वन होगी या टू होगी। तो अब मैं इन तीनों के लिए अलग से हैंडल कर लेता हूँ, राइट। तो सबसे पहले लेट्स से अगर जो एरे ऑफ मिड है उसकी वैल्यू लेट्स से अगर टू है तो मुझे क्या करना है वो देखते हैं। तो मैं क्या करूँगा, लेट से ये मेरा एरे है और लेट से मेरा हाई पॉइंटर यहाँ पे है, अगर हाई पॉइंटर यहाँ पे है तो मुझे पता है ये टू है, ये टू है, ये टू है। अब यहाँ पे कुछ भी हो सकता है, यहाँ पे कुछ यहाँ पे हो सकता है टू भी हो सकता है। तो यहाँ पे मेरा लेट से यहाँ पे टू है और लेट से मेरा मिड है यहाँ पे और मुझे यहाँ पे टू मिला, तो ये मिड क्या करेगा ना, ये मिड इस हाई को बोलेगा कि यार मेरे को टू मिला है, वो टू तो तू रख ले क्योंकि तुझसे आगे सारे टू होने चाहिए और तेरे पास जो भी हो तू मुझे दे दे। तो यहाँ पे क्या होगा, ये टू जो है यहाँ आ जाएगा और ये टू जो है यहाँ आ जाएगा, राइट। और फिर मैं क्या करूँगा, हाई को कर दूंगा डिक्रीमेंट, तो हाई जो है यहाँ आ जाएगा। तो बेसिकली मैंने क्या किया, हाई के हाई पे मैंने एक टू रख दिया और हाई को किया डिक्रीमेंट, तो अभी भी वो कंडीशन जो ट्रू है कि इसके आगे सारे अभी भी टूज ही है, राइट। पर अब यहाँ बताओ क्या मैं मिड को आगे ले जा सकता हूँ, ऑब्वियसली मैं अभी इसको आगे नहीं ले जा सकता, क्यों, क्योंकि अब हाई मेरा यहाँ पे और ये टू है, तो अब अभी भी मुझे इस यहाँ पे टू मिल रहा है, तो अभी मैं वापस हाई को बोलूँगा यार मेरे पास अभी एक टू और है, तो अगर तू इसको रखना चाहिए तो रख ले, राइट। तो अगर मान लो अगर मैं मिड को यहाँ पे इंक्रीमेंट कर देता और लेट्स से यहाँ पे जीरो होता, तो यार तुमने ये टू जो है जीरो से पहले छोड़ दिया, तो अरे कभी सॉर्ट नहीं हो पाएगा, राइट। तो इसलिए यहाँ पे मैं क्या करूँगा, मिड को इंक्रीमेंट नहीं करूँगा। तो यहाँ पे क्या होगा, तो बेसिकली यहाँ मैं लिखूँगा इफ एरे ऑफ मिड इज इक्वल टू टू, तो मुझे क्या करना है, तो बेसिकली मुझे स्वैप करना है एरे ऑफ मिड को एंड एरे ऑफ हाई को, एंड उसके बाद मुझे क्या करना है, हाई को कर देना डिक्रीमेंट, हाई को मैं एक पीछे ले आऊँगा क्योंकि हाई के आगे एक टू आ चुका है, और यहाँ पे मैं मिड को इंक्रीमेंट नहीं करूँगा, राइट। तो ये तो हो गया अगर एरे ऑफ मिड की वैल्यू टू है। अब देखते हैं कि लेट से अब क्या हो सकता है, तो एक चीज़ हो सकती है कि इफ एरे ऑफ मिड, राइट, ये हो सकता है वन, राइट। तो अगर वन होगा तो क्या करना है वो देखते हैं, ठीक है। तो यार इसमें क्या होगा, लेट से ये मेरा एरे है और लेट से मेरा मिड यहाँ पे है, मैं कह रहा हूँ ये वैल्यू वन है, तो यार अब मुझे एक चीज़ पक्का पता है कि इस पर्टिकुलर एरे में यानी मिड से पहले वाला जो एरे है इस पूरे एरे में कहीं भी टू नहीं होगा, क्यों, क्योंकि अगर मिड जो है स्टार्टिंग से गया यहाँ पे और इसको जहाँ भी टू दिखा था तो इसने टू को तो एंड में भेज दिया था, राइट। इसका मतलब ये जो एरे है इस पूरे एरे में, और क्योंकि मिड जो है वो हाई तक ही जाएगा, राइट, तो इसका मतलब हाई जो है यहाँ पे या फिर यहाँ पे है, राइट। तो इसके आगे जो सारे टूज आ चुके हैं, जहाँ पे भी हाई है उसके आगे सारे टू आ चुके हैं, राइट। तो क्योंकि मिड को मैं यहाँ से ले गया था तो कहीं मुझे टू दिखा था तो टू को मैंने हाई पे भेज दिया था, राइट। तो इसका मतलब इस पर्टिकुलर एरे में टू नहीं हो सकता, राइट। तो अब लेट से मेरा लो पॉइंटर यहाँ पे है, तो यहाँ मैं कह रहा हूँ या तो जीरो होगा या वन होगा, ठीक है। अब मान लो कि लो पॉइंटर पे जीरो है और मिड पे वन है, तो क्या मैं इसको स्वैप करूँगा, ऑब्वियसली नहीं करूँगा, क्योंकि यार जीरो में ही चाहता हूँ कि पहले हो वन बाद में। अब मान लो यहाँ पे वन है और ये वन है, तो इसको स्वैप करने का मतलब है नहीं है, क्योंकि दोनों सेम ही वैल्यू है, राइट। तो अगर एरे ऑफ मिड जो है वो वन है तो मैं कुछ नहीं करूँगा, सीधा मिड को इंक्रीमेंट कर दूँगा, मैं यहाँ बोलूँगा यार तुम्हें कुछ नहीं करना अगर तुम वन हो तो, राइट, मैं सीधा यहाँ पे मिड को इंक्रीमेंट कर दूँगा। तो यार ये हो जाएगा एरे ऑफ मिड जब वन होगा। अब आते हैं कि जब इसकी वैल्यू जीरो होगी, राइट, इफ एरे ऑफ मिड इज जीरो, तो क्या करेंगे। तो यार अगेन वही देखते हैं, लेट से ये मेरा एरे है, राइट, और मेरा मिड यहाँ पे है। अब मैं कह रहा हूँ ये वैल्यू जो है जीरो है और लेट से मेरा लो यहाँ पे है, तो मुझे पता है यार मिड से पहले जैसे मैंने कहा था कि यार यहाँ पे टू नहीं हो सकता, तो इस लो पे या तो जीरो होगा या वन होगा, राइट। अब अगर ये जीरो है तो मुझे कुछ नहीं करना, लेकिन अगर ये वन है तो यार मुझे यहाँ पे कुछ करना पड़ेगा,
तो फिर मैं ये मिड जो इस लो को बोलेगा कि यार मुझे एक जीरो मिला है, तो ये दोनों स्वैप हो जाएंगे, ये जीरो आ जाएगा यहाँ पे और ये वन आ जाएगा यहाँ पे, और उसके बाद मैं क्या करूँगा इस लो को कर दूंगा इंक्रीमेंट, राइट। तो बेसिकली लो के लेफ्ट में मुझे एक जीरो मिल जाएगा यहाँ पे, ये जीरो मिल जाएगा और लो हो जाएगा इंक्रीमेंट। अब यार यहाँ पे मैं मिड को इंक्रीमेंट कर सकता हूँ या नहीं कर सकता? तो देखो अगर जीरो था तब तो स्वैप होकर यार जीरो आएगा, राइट। अब यहाँ पे तो जीरो था तो मैं कह रहा हूँ अगर ये वैल्यू जीरो थी लो पे तब तो स्वैप होकर जीरो आया, इसका मतलब यहाँ पे तो कुछ करना ही नहीं था, राइट। और मैंने कहा यार अगर यहाँ पे वैल्यू वन थी तो स्वैप होकर यहाँ पे वन आ गया, और मुझे पता यार अब ये वैल्यू वन आ चुकी है, राइट। अब यहाँ ये लो जहाँ पे भी आया है वहाँ पे अगेन या तो जीरो होगा ये वन होगा। अब ये लो जहाँ पे भी आया है वहाँ पे अगर जीरो है तो मैं इसको स्वैप नहीं करूँगा, क्योंकि यार वन आगे होना चाहिए जीरो पीछे होना चाहिए, और अगर वन है तो स्वैप करके कोई मतलब नहीं है। तो यहाँ पे मैं इस मिड को अब इंक्रीमेंट कर सकता हूँ, यहाँ पे मैं मेक श्योर कर सकता हूँ कि इस मिड का यहाँ पे काम हो चुका है, तो यहाँ पे हम मिड को इंक्रीमेंट कर सकते हैं, राइट। तो यहाँ पे बेसिकली क्या हुआ कि इफ इस एरे ऑफ मिड इज जीरो, तो मैंने क्या किया, सबसे पहले मैंने स्वैप किया एरे ऑफ मिड को एंड एरे ऑफ लो को। तो मिड ने बेसिकली एक जीरो दे दिया लो को, राइट। अब लो ने कहा यार यहाँ पे जीरो है तो लो हो गया प्लस प्लस, क्योंकि लो के लेफ्ट में एक जीरो आ गया और मिड का भी यहाँ पे काम हो चुका खत्म, तो मैं यहाँ पे मिड को भी क्या कर दूंगा प्लस प्लस कर दूंगा। तो बस यार यही है, अगर जीरो है तो ये करना है, और अगर वन था तो यार ये किया कि बस केवल मिड को इंक्रीमेंट करना था, और अगर टू था तो ये करना था कि बस स्वैप किया और हाई को डिक्रीमेंट करना था। यहाँ पे मिड को इंक्रीमेंट नहीं करना था क्योंकि वहाँ पे टू आ सकता था और टू को हैंडल वापस करना पड़ता, राइट। तो बस यार यही अप्रोच है। अगर इसकी मैं अब इसके अगर टाइम कॉम्प्लेक्सिटी बात करें तो यहाँ पे मैंने कुछ नहीं किया, एक पास मैंने किया और सारा काम हो गया, राइट। तो यहाँ पे टाइम होगा ऑर्डर ऑफ एन, और यहाँ पे पास कितना लगा, सिर्फ एक पास, राइट। तो बस यार ये इसका सॉल्यूशन है। अब इसका अपन कोड देख लेते हैं, तो और तुम देख सकते हो यार जो मैंने बताया वही मैंने किया है। तो यहाँ पे पहले मैंने नंबर ऑफ एलिमेंट्स ले लिया नम्स डॉट साइज, लो को इनिशियली मैंने जीरो पे रखा है, ओके। इनिशियली मिड जो है जीरो से स्टार्ट होगा, हाई को मैंने एन माइनस वन यानी कि लास्ट पे रखा है। फिर मैं जब तक जा रहा हूँ जब तक मिड जो है लेस देन इक्वल टू हाई है। अब अगर नम्स ऑफ मिड अगर टू है तो मैंने क्या कहा था, हाई के साथ स्वैप करूंगा मिड को, तो मैंने कहा नम्स ऑफ मिड एंड नम्स ऑफ हाई को कर दो स्वैप, और हाई को कर दिया डिक्रीमेंट, और यहाँ पे मैंने मिड को इंक्रीमेंट नहीं किया क्योंकि उस टू को हैंडल करना था। एल्स अगर इसकी वैल्यू वन है तो मैंने कहा कुछ नहीं होगा, तुम बस मिड को आगे बढ़ाओ, क्योंकि अगर ये वैल्यू वन है, राइट, तो इस वन को मैं लो पे ले जा सकता था, राइट। और लो पे मुझे पता है या तो जीरो होगा या वन होगा, अगर जीरो होगा तो ऑब्वियसली मैं स्वैप नहीं करूंगा, और वन होगा तो स्वैप करने का कोई मतलब नहीं है। एंड एल्स यानी कि अगर नम्स ऑफ मिड जो जीरो है, राइट, तो मैंने क्या कहा था उसको लो के साथ स्वैप करो, यहाँ पे लो के साथ स्वैप कर दिया, लो को इंक्रीमेंट करो, और अब यहाँ पे मैं मिड को इंक्रीमेंट कर सकता हूँ, क्योंकि अगेन वही बात है यहाँ पे जब स्वैप हो जाएगा, राइट, तो फिर वही अगर मिड वन आ जाता है तो उसको स्वैप नहीं करना, और अगर वापस जीरो आता है इसका मतलब जीरो के साथ ही स्वैप हुआ है, तो वापस स्वैप करके कोई मतलब नहीं है, राइट। तो इसलिए यहाँ पे मैं मिड का काम हो गया, तो मिड को मैं आगे ले जा सकता हूँ। तो बस यार ये पूरा लूप चलेगा, और यहाँ पे नम्स जो है वो एज ए रेफरेंस पास हुआ है, तो यार अपन जब इसको चेंज करेंगे तो वो ऑटोमेटिकली चेंज हो जाएगा और अरे तुम्हारा जो है सॉर्टेड ऑर्डर में आ जाएगा। तो बस यार ये प्रॉब्लम थी, आई होप यू अंडरस्टूड द प्रॉब्लम। तो स्टिल इफ यू हैव एनी डाउट्स यू कैन आस्क मी इन कॉमेंट्स, आई विल बी डेफिनेटली मोर देन हैप्पी टू हेल्प यू गाइज। सो यार दैट्स इट फॉर दिस वीडियो, सो आई विल मीट यू इन द नेक्स्ट वीडियो वेरी सून। अंटिल देन टेक केयर, बाय बाय।